chapter 10 circle again with R.D. Sharma. We say example 20. R.D. Sharma. It says ABCD is a parallelogram. The circle through A, B, and C intersect CD produced at E. Prove that AE is equal to AD. Now, ye question jo hai, usme figure pehle se given hoga. So you don't have to worry about the figure. But given to aap jarur likhoge. Given kya hai? Okay. We write here given. Kya hai hamare paas given? Given hai hamare paas A, B, C, D. Is a parallelogram. The circle through A, B, and C intersects CD produced at E. ध्यान से अगर देखा जाए तो हमने वही लिखा जो क्वेश्चन में है. Then we write here to prove. क्या करना है? Again it is given in the question. AE is equal to AD. ये हमको prove करना है. So we write here AE is equal to AD. Proof की शुरुआत करें. तो पहले हम ये बता दें कि A, B, C, and E is a cyclic quadrilateral. Okay, so this is what we write. Proof. हम पहले ये दे देते हैं कि A, B, C, A, B, C, and E is a cyclic. अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक प्रॉपर्टी लग जाएगी. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब उसका एंगल का टोटल होता है 180. यू हैव एंगल ई एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180. एंगल सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180. तो अब हम लेते हैं एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए बी सी is equal to 180. कौन से एंगल है? टेक ब्लैक पेन. आई विल टेक आई थिंक दिस वन इज द गुड वन. ए ई डी ए ई एंड डी हम ये एंगल की बात कर रहे हैं. दिस इज द एंगल वी आर डिस्कसिंग. एंड ए बी सी वो ये एंगल है. नाउ क्लियर कट ये दोनों एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है. ई एन बी एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल का टोटल होता है 180. रॉक सॉलिड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके नाउ अगेन वी टेक नाउ सी डी ई इज ए स्ट्रेट लाइन. ये रही C D N E is a straight line. फिर से शायद विचारों को पता नहीं चलता हो, बड़े confused हो जाते हो. Those minds are very very brilliant but very slow learners. उनके लिए है C D E is a straight line. अब straight line है तो यहाँ हम फिर से दो angle का discussion कर रहे हैं. Say एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर. ए डी ई वो ये वाला एंगल सी ए डी ई ये एंगल
एंड ए डी सी ए डी एन सी दिस टू एंगल ये है वो दो एंगल लीनियर पैर बन गई ओके बट वो क्या है बट ये है कि एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी आर अपोजिट angles of a parallelogram फिर से बताने की बारी आ गई let me remove those pens from side I need this particular page and I need this particular side तो थोड़ा स्पेस कर लिया जाए यहां पर angle ADC ADNC this time I will use that red one तो पता चले ये रहे ए बी सी एंड ए बी सी ये तो पैरेललोग्राम हुआ पैरेललोग्राम ये है वो पैरेललोग्राम ओके ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम अब अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हुए देयरफॉर वी मे राइट हियर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जगह का थोड़ा कमी हो गया तो स्केच पेंस को एक तरफ हटा दिया जाए और बुक को थोड़ा सा खींच लिया जाए सो आई नीड दिस पर्टिकुलर स्पेस टू राइट अब हम लेते हैं देखा जाए चलो ओके नाउ वी कैन से एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी E. थोड़ा इस तरह से रखे कि फिगर भी नजर आए ओके तो इसे ए बी सी ए बी सी एन ए डी ई ये दो एंगल हुए ए डी सी एन प्लस एंगल ए डी ई पहली बार हमने क्या लिया था ए ई डी प्लस ए बी सी एक्चुअली ए डी ई मैंने लिख दिया यहां पर I need to make that correction here. It is AED. Okay. So, पहली बार था AED plus ABC तो 180 हुआ. दूसरी बार था ADC और ये दूसरा वाला था AD in ADC. 180 हुआ. Okay. AD in ADC. पहला वाला. इसको हमने नाम दिया 1. इसको हमने नाम दिया 2. तो दोनों का टोटल इक्वल है जस्ट टू रिड्यूस दैट कंफ्यूजन आई एम राइटिंग अगेन एंगल ए ई डी दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर प्लस एंगल ए बी सी इसका टोटल है 180 एंड द सेकंड वन ए डी प्लस एंगल ए डी सी इसका टोटल भी है 180 ओके तो अब एईडी हमारे पास है और एबीसी हमारे पास है एडीई हमारे पास है एंड अगेन वी हैव एबीसी तो अब एईडी इज इक्वल टू तो अब दो हो गए हमारे पास हमने पहले लिया एईडी AED plus ABC ये दोनों का total 180 next we have taken ADE and ADC is equal to 180 अब ADC जो है the one which is here इसकी जगह पर हम ABC ले सकते हैं ले सकते हैं okay चलो लेते हैं so AED
plus angle ABC as it is. The first part, koi change nahi. The second part, angle ADE as it is, and in the place of ADC, here we can take ABC. Okay. अब एबीसी तो दोनों कट हो गए, ये गए. सो नाउ यू हैव टू एंगल कंग्रुएंट, एंगल ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई. ये दोनों एंगल हो गए इक्वल. अच्छा, नाउ व्हाट? कौन से एंगल थे? So it was AED and angle ADE. These two angles are congruent. Now we take in triangle ADE. We have angle AED is equal to angle ADE. New angles are equal, sides are equal. Therefore, AE is equal to AD. No, actually, jahan se agar dekha jaye, then triangle ADE is an isosceles triangle. Aur ye isosceles triangle ki property hoti hai. Angles are equal, sides are equal. Sides are equal, angles are equal. Kaise? Reason, you can write here by theorem 7.2 it is, or you can write theorem 7.3. Hence, proof. हो गया आपका सम. First question of RD Sharma done. Chapter 10, Circle Again, Example 21, RD Sharma. D and E are the points on equal sides AB and AC of an isosceles triangle ABC such that AD is equal to AE. Prove that BC, D and E are concyclic. Now what is the meaning of the word concyclic? Concyclic ka matlab ye hota hai ki wo jo jitne bhi point jisko concyclic bataya gaya, all those points are lying on circle. In other words, it is a cyclic quadrilateral. तो फिगर हमारे पास नहीं था, हमने बनाया. D and E are the points on the equal sides AB and AC of an isosceles triangle ABC. मतलब एक ट्रायंगल है, मैंने पहले से एक ट्रायंगल बना के रखा ABC, in which AB is equal to AC. Given data है, उस पर दो पॉइंट है, D और E are points on equal sides AB and AC of an isosceles triangle ABC such that AD is equal to AE. So AD or AE equal hai yahan par. AB and AC equal hai. Humne prove karna hai B, C, D and E. Actually E or D aana chahiye yahan par. B, D, E, C or whatever. These points are concyclic. Okay. हम लेकर चलते हैं प्रूफ डायरेक्ट. नाउ वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन गिवन एंड टू प्रूव एंड प्रूफ. बराबर है ना? प्रूफ तो हमको करना ही है कि दिस पॉइंट्स आर कौन साइकल. इन अदर वर्ड, बी सी ई डी इज अ साइक्लिक कोरिलेटर. तो प्रूफ हम लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, पूरे पूरा ए बी और सी. यहां वी हैव, व्हाट वी हैव? वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी. साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल. कौन से दो एंगल इक्वल हुए? क्लियर कट. आई एम नॉट टीचिंग द स्टूडेंट ऑफ 6, 7 एंड 8 स्टार, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट ऑफ 9 स्टैंडर्ड एंड यू शुड हैव दैट नॉलेज. ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. बैंग मार्किंग किया जाए अगर करना हो तो. देखते हैं. सो वी हैव दिस टू एंगल्स इक्वल.
sides are equal, angles are equal. अब दूसरा triangle लिया जाए, we say in triangle ADE, क्या है हमारे पास, we have again, sides are equal, angles are equal, so AD is equal to AE, दो angle और equal हो गए, angle ADE is equal to angle AED, ओके, फिर से चलते हैं, पेन उठाओ, मार्किंग करो, ये रहा, sides are equal, angles are equal, angles are equal, sides are equal, चलो फिर, अब दोनों ट्रायंगलों को लिया जाए, ABC and ADE, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ओके, we say in triangle ABC and triangle ADE, we have, ओके, तो क्या है हमारे पास, हमारे पास है एंगल पहले वाला A, B और C को लिया जाए तो we have angle A plus angle ABC plus angle ACB, तीनों का टोटल होता है 180. दूसरा वाला ट्रायंगल which is ADNE, तो यहां है angle A plus angle ADE plus angle AED is equal to 180. Okay. थोड़ी सी जगह कर लिया जाए. Writing, start writing here or here. चलो देखते एक लाइन और ले लूँ मैं यहाँ पर. Okay. Then we say पहली वाली लाइन जो थी ये 180 वाली, उसको हम लेते हैं angle A plus 2 angle ACB. Angle A and ACB, ये दोनों तो equal थे ना, तो C की जगह पर B लिखा जाए, B की जगह पर C लिखा जाए, is equal to 180. वो दूसरा वाला, and angle A plus अब की बार लिया 2 angle ADE is equal to 180. Now what? तो अब दोनों तो equal हो गए ना, दोनों का total 180 है. चलो इधर आ जाते हैं हमने यहाँ पर. This part is very good to write. So we have here angle A plus 2 angle ACB. ये वाला हिस्सा angle A plus 2 angle ACB is equal to 180 नहीं लिखेंगे हम. अब हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे क्योंकि तो दोनों equal हुए ना. So we write here equal angle A plus 2 angle AD. यानी ये दोनों का टोटल 180 हो गया. एंगल ए कट गया, ए कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया. देयरफॉर वी हैव एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एडीई. ओके, यहां तक ठीक है, बोलो अगर ठीक है तो आगे बढ़ें. नाउ वी राइट एंगल एसीबी is equal to angle ADE, ये जो ऊपर वाला हमने दिया. अब ACB की जगह पर हम लिख सकते हैं angle ECB is equal to angle ADE. कैसे? ACB is equal to ECB. चलो देखते हैं फिगर पर आओ. angle ACB, A, C और B, इसकी जगह पर हम E, C, B लिख सकते हैं. तो both A and E are on the same line. पहली बार जो एंगल लिया था, again थोड़ा सा बता दूं मैं कि किधर है, कहां है, तो पता चल सकता है हमको कि कहां से आया. But see इधर देखा जाए ये लाइन को, लो, see this line, see this one. E इस पर भी है, A भी है और C भी है.
So if we write A, C and B, this is what we have written. Or we write E, C and B, baat hum ek hi angle ki kar rahe hain. Hope I'm clear. Aur agar clear hoon, to aage bada jaye. Okay? Ab liya jaye ke angle E, C, B plus angle EDB is equal to angle ADE plus angle EDB. ये क्या किया हमने? क्या किया हमने यहाँ पर? हमने किया क्या? ECB जो था, उसमें EDB को हमने ऐड किया. EDNB. ADE जो था, this one, उसमें हमने ऐड किया EDNB. In other words, ADE and EDB, these two angles are making linear pair right here. इसीलिए ये किया गया. So we write here, adding angle EDB on both the sides. चलो फिर क्या करेंगे? तो अब तो हमको मिल गया कि ECB plus angle EDB is equal to, तो ये रहा ADE, AD and E, this one we are discussing, and EDB, ED and B, this one, ये तो linear pair है, उसका total हो गया 180. अच्छा, reason क्या देंगे? So we write here angle ADE plus angle EDB is equal to 180 linear pair. So we have angle ECB plus angle EDB is equal to 180. कौन से दो एंगल हमने ले लिया? सी ई सी बी ये वाला एंड ई डी एन बी ये वाला, ये दोनों एंगल का टोटल हमने ले लिया 180. तो ये तो बाकी के दो का ऑटोमेटिकली 180 हो गया. देयरफॉर बी सी बी सी ई एन डी, यहां जो गलती हुआ था उसको सुधार लेते हैं. ई एन डी आर concyclic, hence prove. एक प्लेट पानी पूरी का ऑर्डर दे दो, तीखा एकदम करारा. ऑल द बेस्ट. Chapter 10, Circle, Example 26, R.D. Sharma. ABC is a triangle in which AB is equal to AC. ABC एक triangle है, A, B and C. उसके अंदर बताया गया कि AB is equal to AC. चलो हम वो पहले बना लेते हैं. ये हमको पता चल जाए, we are discussing about which triangle, which side, कहां, क्या, कैसे. ओके, ये बन गया है यहां पर हमारा ट्रायंगल. सो एबीसी इज अ ट्रायंगल, उसमें क्या बताया, एबी और एसी इक्वल है. पी इज ए पॉइंट ऑन एसी, एसी पर एक पॉइंट है पी. राइट हियर वी हैव थ्रू सी, सी से ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी बी प्रोड्यूस एट की. क्यों? यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई जो कि पी और बी जो है उसको प्रोड्यूस करेगा क्यू पर, सच दैट एंगल ए बी क्यू, ए
बी एंड क्यू मैंने पहले से एंगल मार्क करके रखे हैं, ये रहे ये एंगल एंड एंगल ए सी क्यू, दिस एंगल्स आर इक्वल। हमने प्रूव करना है टू प्रूव, हमने प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल बी ए सी। फिगर नॉट, फिगर तो मिलेगा क्वेश्चन में, आपने सिर्फ सॉल्व करते सीखना है, फिगर की चिंता हमको करना नहीं है। अब जब फिगर की चिंता हमारे पास है नहीं, फिगर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं उसको। तो अब हम सीधे एक तरीके से ले लें कि अगर ये चार पॉइंट को देखा जाए ए बी सी एंड क्यू, और दीज आर कौन साइक्लिक पॉइंट, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, तो नेचुरली उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। हम इसी से स्टार्ट ले लेते हैं, से वी एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू, ए बी एंड क्यू। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन था एंड ए सी क्यू, तो उसमें हम प्रूफ देंगे ना यहाँ पर भी, ओके। सो वाई दे आर इक्वल, क्यू गिवन वो भी हमको दिया कि ए बी सी एंड क्यू आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है। इसके आगे ये भी हमको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन क्वेश्चन में है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। तो दो एंगल इक्वल हुए, वी से ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अगेन थियरम 7.2 या तो थियरम 7.3 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज वाइडली वैलिड एवरीवेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं व्हाटसोएवर। आगे सो आगे के लिए अब हमारे पास है, वी टेक दिस पार्ट, आगे अब हम देखें तीनों एंगल का टोटल, बी ए सी, बी ए सी, ए सी बी एंड ए बी सी, ये तीनों ट्राइंगल का टोटल हम लेते हैं, वी से इन ट्राइंगल ए बी सी, वी हैव, व्हाट वी हैव, क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल हमने 180 लिया। ट्राइंगल वॉज ए बी एंड सी, एक एंगल ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों का टोटल हमने 180 लिया। नाउ वी राइट एंगल बी ए सी प्लस, अब ए सी बी और ए बी सी को तो हम इक्वल बता चुके हैं, सो वी राइट टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ओके, सो नाउ वी से ए सी बी कितना हुआ, सो वी से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हुआ, तो हमने बोला कि 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। नाउ देर आर सर्टन कंफ्यूज माइंड हु आर जस्ट वंडरिंग कि ये क्या हो जाते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, हमारी समझ में आता नहीं है, और दोज कंफ्यूजिंग माइंड आई हैव अ पार्ट इन विच आई कैन एक्सप्लेन, बट दीज आर द थिंग्स यू डोंट राइट ऑन द राइटर्स और थियरम्स। आपने
बस उसको लिखना है समझने के लिए, इट इज ओके कि हम उसको समझ लें तो सही बात हो सकती है। अब मान लो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 है, तो ACB कितना हुआ? ACB हमने बाहर निकाला, आई एम राइटिंग दिस पार्ट हियर, तीनों एंगल का टोटल 180 था। फर्स्ट लेट मी राइट हियर, से एंगल BAC प्लस टू एंगल ACB इज इक्वल टू 180। ओके, ये मैं लिख चुका, नाउ आई विल एक्सप्लेन। तो बराबर ध्यान दो कि क्या हो रहा है वहां पर। ACB को हमने बाहर लिया, से एंगल ACB हमने बाहर लिया तो इज इक्वल टू 180। एक्चुअली टू ACB आई हैव टेकन, और BAC उधर गया। चलो यहां तक ओके, वी हैप्पी, बचाइए टू, इधर भी गया इधर भी गया। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 अपॉन टू माइनस BAC अपॉन टू। अब टू वन टू 90 था, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। ठीक है, हटा लूं, आया समझ में? आवाज आ रही है यहां तक? चलो ओके, सो ACB इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC, यहां तक ठीक है। हाँ, फिर से प्रॉब्लम तो थोड़ी हो जाती है, बट क्या करें, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ता है, सीखने का और कोई रास्ता तो है नहीं, तो अच्छा रास्ता निकाला है हमने, कर लेते हैं काम जब तक जरूरत पड़े। बुड्ढे के लिए थोड़ा सा इधर हटा लिया जाए उसको, एंड वी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब दूसरा हिस्सा लिया जाए, वी से नाउ। तो नाउ क्या है, ये जब नाउ लिखे ना तो आदमी टेंस हो जाते हैं। ACB अब क्या है, इज इक्वल टू एंगल AQB एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BQC। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है वो, जो मेरा पेन कहीं कोने में है, आई नीड दिस पर्टिकुलर पेन। ACB, A, C और B, ये पॉइंट, ये एंगल, एंड AQB, ये दो एंगल इक्वल हुए। कैसे? आई कैन हियर दोज वॉइस राइट हियर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो दूसरे भी है भाई, BAC, अब ये वाला उल्टा सा तो ये सीधा है, थोड़ा सा समझ में आएगा। BAC यस, एंड BQC यस, हाँ अब नजर आए दिस एंगल्स आर इक्वल। तो रीजन देंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, यहां पर वी लिख राइट हियर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम कोण। ओके, नाउ वी राइट BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AQB प्लस एंगल BQC। फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ है देखो, फिर से देखते हैं। BAC एंगल एंड ACB ACNE ये दोनों एंगल इक्वल हुए, प्लस किया दोनों को, BAC एंड ACB दोनों को प्लस किया, AQB ये वाला ये इधर, ओके
एन बी क्यू सी, ये वाला, ये दोनों को इक्वल किया, इक्वल नहीं किया, प्लस किया। अब बी ए सी प्लस ए सी बी, वी राइट हियर बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, तो क्या मिला, ए क्यू बी एंड बी क्यू सी दोनों का टोटल होता है ए क्यू सी, ठीक है। नाउ अगेन दोज कंफ्यूज माइंड्स आर वंडरिंग कि क्या हुआ, चलो फिर से बता दूं। एक्चुअली यहां देखा जाए, वो पेन कहां से लेकर आए, सी ए क्यू सी ये जो एंगल है ये दो का बना हुआ है, ए क्यू बी एंड बी क्यू सी, नजर आया, ए क्यू सी इज मेड अप ऑफ टू एंगल, ए क्यू बी एंड बी क्यू सी, यही तो थे, तो दोनों को प्लस करो तो हमको मिलता है ए क्यू सी, ओके। अब एंगल ए सी बी को हम बाहर ले लेते हैं, ए सी बी तो लिया था ना इधर, सो ए सी बी हम बाहर ले लेते हैं, तो ए सी बी अब हो गया एंगल ए क्यू सी माइनस एंगल बी ए सी, ए सी बी को हमने बाहर खींचा इज इक्वल टू, उसके बाद ए क्यू सी और ये बी ए सी प्लस था तो उधर गया माइनस, ओके। अब तो हमारे पास अब क्या आ गया, पहली बार हमारे पास था एंगल ए क्यू सी माइनस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90, ये चलो इसको देखते हैं, एंगल ए क्यू सी माइनस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, तो ये तो ये दोनों को करे तो ए सी भी मिलता है ना, सी ए क्यू सी माइनस बी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, हाँ वो तो है, तो ए सी बी कितना था, ए सी बी वॉज 90 माइनस हाफ बी ए सी, हाँ वो चलो तो उसकी जगह पर लिखा जा सकता है 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी, आया क्या गया, क्लियर, ए क्यू सी ये वाला माइनस बी ए सी, ये दोनों को माइनस करो तो हमको मिलता है ए सी बी, ए सी बी वी हैव टेकन एज 90 माइनस हाफ बी ए सी, पहले ही हमने लिया था, तो ये दोनों की जगह पर ए सी बी लिखे और ए सी बी को हटाकर उसकी जगह पर 90 माइनस हाफ बी ए सी लिखा जा सकता है, ओके बराबर है। तो आगे प्रूव क्या करना है हमको, एक्चुअली हम प्रूव में तो आ गए ना, then we write here this gives angle AQC is equal to 90 plus half angle BAC, ये बड़ी दिक्कत हो गई, क्या हो गया, AQC यहां रह गया, बी ए सी उधर गया, माइनस माइनस प्लस 90 प्लस हाफ बी ए सी रेवड़ी, हेंस प्रूव, अगर तुम देना चाहो तो तुम दे सकते हो, इसको 0.1 दे सकते हो और दूसरा वाला था ये वाला, इसको 0.2 दे सकते हो, एंड यू कैन राइट बाई 1 एंड 2 वी है, हो गया आपका ए क्यू सी माइनस बी ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ बी ए सी, तो ए क्यू सी कितना हो गया, तो 90 और वो हो गया माइनस माइनस प्लस, सो हो गया 90 प्लस हाफ बी ए सी, हेंस प्रूव योर सम इज डन, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन एग्जाम, गेट मोर मार्क्स एंड कम बैक अगेन।